क्या क्रम सुना अभी आपने? अब सुनो कार्यक्रम बेटा। कृष्ण गोपाल जी बाप रहे वास्तव में, अगर नाम ही बाबरो रखो वो है शंभू बाबरो, क्योंकि छंद का भी जवाब हो गया, टुकड़े का भी जवाब हो गया, बहर का भी जवाब हो गया। और ओम बी शर्मा, मैं इस बात को पूछ रहा हूं, क्यों भैया काली चरण के नीचे कृष्ण को कब नाम काली हो? अबे तुझे पता ही नहीं है कृष्ण तो काली भी बने हैं, नाम की तो बात चलती क्या है? कृष्ण स्वतः काली बने हैं, शास्त्रों को पढ़ा करो तुम सही, और पेट फुलाए दूंगो पी के मधुआ को जीवन बीत गो, फिर बिजेंद्र प्रधान जी को जीवन बीत गो, पेट फुलावत फुलावत, और लाला तू और पेट फुला तेरो पेट भून जाओ ढंगते। और एक बात कह रहे, तोप छोड़ करके गए वो यशोदा के जहां जो कन्या पली थी वो कहां गई? कहां गई? तुम्हारी हर बात का जवाब होगा, और ऐसा होगा तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा वो कन्या थी कौन। यहाँ आगरा में उस कन्या के दीवाने हैं और घर घर में उसकी जोत जलती है उस कन्या की, यहाँ आगरा के अंदर। शंभू भाई, बड़ी बड़ी बातें करने से आदमी बड़ा नहीं हो जाता है। आप सभी ने मेरा छंद सुनाया, गायक बंधु और लेखक बंधु सभी मौजूद हैं, और भाई साहब का भी नंबर सुना आप लोगों। एक छंद गाया मैंने, यही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा भाई शंभू। कर दो पिया वापस सिया, चौफटे में पैर अड़ाए रहे हो, खलनायक बन के मन में तन के चौ श्री राम से बैर बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो। गुरु यहीं से देखना मेरे छंद को, पहली लाइन कह रही है कर दो पिया शुरुआत, दूसरी खलनायक बन के, तीसरी गलती कर दी तुमने भारी, घर घर है रही चर्चा तैयारी, चबैया कर रहे सब नर नारी। शंभू भाई तुझे यही पता नहीं है कि छंद में इसमें क्या पड़ा हुआ है। का खा गा घा सारे शब्द डले हुए हैं, और छंद इनका भी देखो। बात मेरी तू सुन प्रिया, चौमो को बात चढ़ा रही है और चो खामा खामे रामते लड़ा रही है। मैं हार न पाऊं हाल, काटे काए प्यारी बजा रही गाल, मेरे संग में राम जी चाल चलकर बैठे हैं। पूरे का खा घा सब पड़े हुए, ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, आप लोग ही फैसला करना कि इस हिसाब से शंभू ने छंद लड़ा दिया भैया। हाँ ये लगाई लड़ा दिया, ये लिखाई पढ़ाई को काम हो गई। शंभू केवल बातें बनाने से इंसान बड़ा नहीं हो जाता है। तू तो बाबर को बाबर ही रहे हो, तेरी मुसम्मियों का गोदाम बना देंगे। अब ही जाना गोदाम, देखो अभी शोरूम देखो कहां है। गुरुदेव एक लाइन नहीं लड़ी है छंद की, कालगड़ा भी गाया, लामनी भी लगाई छंद में जी, क्या गाने की ओर करेगा भाई। शंभू आज तेरा तंबू नहीं ताना, तो बेटे हमारा भी नाम ओमवीर शर्मा नहीं किसी और से रहेगा। बोल काली मैया की। जो कमजोर आदमी होता है वो हमेशा प्रेस नहीं प्रेस करता है जी। केवल मैंने एक बात गाई थी, मनमोहन भी चढ़े हुए हैं और काली चरण के नीचे
और शिव शंकर भी पड़े हुए हैं काली चरण के नीचे। भैया कछु जवाब आयो तुम्हारी समझ में? अरे ये तो अभी मच्छर के बच्चे हैं ना तो राम गुरु ऐसे तो जाते हैं पर पूरी तरीका से ना ऐसा तो। अरे ये तो मच्छर के बच्चे हैं इसलिए जुनून है और इन मच्छरों को कैसे मारूं मैं, मेरा ही तो खून है। भैया गोदाम गोदाम बनवाना हो तो शंभू मिस्त्री है वो है गोदाम गोदाम चलवा लियो भाई। शंभू बहुत कुछ उम्मीद लेकर के आया मैं, आज मेरा शंभू से दंगल है। ये बढ़िया बाबा है क्या? लेकिन कहानी हुई हुई डॉक्टर साहब के खोदा पहाड़ और निकली चुईया। सुनवाई का भैया छंद किस तरीका से? और कोई अटक लड़ाई और लोमती से छंद शंभू ने भी लड़ाया। सारे जहां का अपयस लिया ये सारे जहां का और कोई अपयस लिया और कोई सारे जहां का अपयस लिया और जो अधरम पे नैन गढ़ाई रे हो और क्यों अधरम पे नैन गड़ा रहे हो और तुम तो बारी बारी बात करते हो लेकिन मैं क्या कह रही हूँ। अरे जो अधरम पे नैन गढ़ाए रहे हो और पिया मेरा धड़के हिया जो मैं उल्टो पाठ चक्कर में पड़ के मत समझो राई पाई है।
घुस जाओ जैसे तू हा दिल में पर पिया परम पिता के दिलों में खल कर बैठे अरे पढ़नी ना है पार पार पढ़नी पार पार वो है अंतरियामी अजर अमर वो अंतरियामी अजर अमर वो अंतरयामी जो अकल गई है मारी अजर अमर वो अंतरयामी अकल गई है मारी जीत सको ना परम पिता से जीत सको ना परम पिता से अरे जिन से सारी दुनिया खुद हाथों से हाथ मल कर बैठे हो मां साहब संदकाव भी गा रहे थे रंग रंग के फूल खिले हैं भाई कोई रंगना सम्मू कह के ताली तो मदारी का काम होता है मदारी बजवाता है हमारा भाई एक शेर लगा रहा था इधर से तेरी छोटी छोटी मौसमियों को बड़ा गोदाम बना दे अब हमारी सुन आज तुझे इस मैडम का आज तुझे इस मैडम का मैं गुलाम बना दूंगा आज तुझे इस मैडम का और मैं गुलाम बना दूंगा आज तुझे इस मैडम का मैं गुलाम बना दूंगा आमों के आम गुठलियों के दाम बना दूंगा आम के आम गुठलियों के दाम बना दूंगा आज फंसा है सबूत मेरे चक्कर में इसको हनी प्रीत और तुझको आसाराम बना इसको हनी प्रीत तुझको आसाराम बना इसीलिए कहना है रंग रंग के फूल खिले हैं भाई कोई रंग ना
बैठेगा कहीं गए बाबा? हाँ बाबा मैं करण तो इतना इतनी देर रुक वेला। सभी लोग सुने वो दर से कार आता हमारा भैया देख से स्वागत करें। और ये 51 रुपए का पुरस्कार बीपीएस राजपूत और ज्ञानेश हेजर क्या है जाने, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। 51 रुपए का पुरस्कार आया है अब तक। अरे रंग रंग के फूल खिले बाबा 60 साल है। अब देख किस तरीका से जवाब हो रहा है। देख ना जाने अंधे के हाथों, अरे ना जाने अंधे के हाथों, ना जाने अंधे के हाथों शंभू, अरे ना जाने अंधे के हाथों पटेर कहां से पड़ गई। और राय वाली अरे ना जाने अंधे के हाथ पटेर कहां से पड़ गई। और देख मैं पीछे बोलूंगा जनता आगे गाएगी। और बिल्कुल हकीकत बात तक कहां 16 साल और कहां 60 साल। अरे ना जाने अंधे के हाथ और पटेर कहां से पड़ गई। अरे कैसे बूढ़े पे मारी गई, ना जाने अंधे के हाथ पटेर कहां से मर गई। और कैसे बाबा पे मर गई।
कैसे बाबा को किलो गड़ी गो, अरे कैसे बाबा को किलो गड़ी गयो। और तो पे तो जवानी है और लेकिन बाबा का हाल कैसा है देख। अरे कैसे बाबा को ओए हो, कैसे बाबा को किलो गड़ी गयो, जाको चेहरा ऊ पीलो गड़ी गयो, ओ कैसे बाबा को किलो गड़ी गयो, जवाब पे खुश होकर के 51 रुपए का पुरस्कार जमुना चाट वाले सीता नगर। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें सभी लोग। देख कैसे बाबा को पीलो कड़गो, चाको सबरो चेहरा पीलो, और देख जाकी बारे पोरे की है बॉडी, जाकी बारे पोरे की है बॉडी। और ये हकीकत बात है, क्यों जब मैं उम्र का तकाजा देख रहा हूँ कि कहाँ बाबा की उम्र और कहाँ इसकी, इसीलिए मेरा कहना है जाको चेहरा सवरो पीलो पड़े लो, और जाकी पारे पोर की है बॉडी, बाबा को पिस्टानो ढीलो। बाबा तू बेजोर ले आवे जब बात बने बड़ी मजेदार। अब देख कहना क्या है, जो बने और जवानी जाकी, जो बने और जवानी जा बाबा की सवरी ठर गई, अरे कैसे बूढ़े पे मर गई। लल्लू वदना खाड़े के राम रतन पंडित जी देते जवाब पर खुश होकर के एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें सभी लोग। शंभू भाई गाने गाने के तरीका अलग हुआ करते हैं। खल कर बैठे हो, अरे खल कर बैठे हो, अरे पिया ओ हो ले पिया, सब दुनिया के दिलों में खल कर चले अरे यदि अपने मन की पिया।
और रच रे लीला सीता राम मिटाए देंगे साहब दिखाए बहर दिए बादर भार जलानी ने रसिया सुनने आए सभी डट डट के मजाया लूटेंगे डट डट के मजाया लूटेंगे डट डट के मजाया लूटेंगे अरे रसिया सुनने आए सभी डट डट के मजाया लूटेंगे और तुम जैसे जल्दी डट डट के मजाया जो बात मैं गा रहा हूं वही शंभू भाई गा रहा है दिए बादर फार जनानी ये कोई लड़ाई और ये कोई कलम नहीं हुआ करती अब देख अरे किए करमन पे हमने किए करमन पे मेरे भैया ये किए करमन पे थोड़ी सी ऐसी वैसी बात बना करके चला गया जनता को दिखा गया कि हाँ ये शंभू बागड़ा है घासी खोद के चले वो मोते शंभू बागड़ो कहते हैं शंभू बागड़ो जा छोड़ चढ़ी चल रहा है तू त्यो खसम बागड़ो है गए हो कामत कामत रसिया जाको फेल जाबड़ो है गए हो खेल जाबड़ो है गए हो जाको खेल जाबड़ो है गए हो और देख अरे कामत कामत रसिया जाको खेल जाबड़ो है गए हो काबियाबंदी से कामत कामत रसिया जाको खेल जाबड़ो है गए हो कामत कामत रसिया जाको खेल कहना है ए रखिए करमन पे ए
मन पे वो रही भारी पछतात ये बादर पहाड़ जनानी ना एकौ एकौ मां अरे किए कर्मन पे कोई देखो रही पछतात ना मानी बापैया रे बानी अरे बात पहली में दिए बादर फार जनानी ने और ना मानी बैयर बारी शंभू ओमिर शर्मा के स्कूल में एडमिशन करा ले। हाँ कछु ए जागो क्योंकि कोरोना फैल हो गया तू अब देख पहली कहानी सात फिरी में जाके संग खसम की सगी भाई ना गैर से रिश्ता सभी लोग सुन भी रहे हैं। दूसरी कहानी है समझ रहे आवे भैया देखो समझ रहे आवे भैया देखो अरे कोई ऐसी वो जात जनानी समझ रहे आवे भैया देखो ऐसी जात जनानी अरे कोई ऐसी जात जनानी समझाई बहुत तेरी समझाई पलम ने पर एक बात ना है मानी उत्तम चंद वाली कोई काऊ को हाथ ना है भैया सबते बड़ो रुपया और धन दौलत के पीछे ने बहना ने मार दयो खुद मा जायो भैया पास किस्सा लेकर के आया हूं मैं अब देख कहना क्या है अरे अरे कीनी कीनी है छंद लड़ो ना टुकड़ा लड़ो ना अरे छंद लड़ो ना तो टुकड़ा लड़ो ना छंद लड़ो ना तो टुकड़ा लड़ो ना यहाँ ज्ञान की गंगा बह रही छंद लड़ो ना तो टुकड़ा लड़ो ना और यहाँ ज्ञान की गंगा बह रही छंद लड़ो ना तो टुकड़ा लड़ो ना अरे यहाँ ज्ञान की गंगा बह रही और देख
पाखड़ो पाकई में पावड़ो, पाखड़ो पाकई में पावड़ो जो सबरी जनता साहब एक धुन दिखाओ, एक गीत आपके मनोरंजन के लिए गाऊंगा और इस नंबर पे मैं ज्यादा नहीं 5 मिनट ज्यादा लूंगा। क्यों के जो आज हमारे बीच में नहीं है भाई पवन शर्मा, पवन पाठक जी, उनके लिए भी 4 लाइन लिख करके लाया हूं और इसके बाद फिर एक गीत सुनाऊंगा मैं अपनी तरफ से और नहीं तो भाई को नंबर दिया जाएगा। मां साहब धुन दिखाओ। मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। वो बच्चा इस मंच का संचालन कर रहा था जो कि आगरा में नाल वादकों में किंग था, वो पवन पाठक। पवन पाठक सभी जानते हैं, जो बच्चा संचालन यहाँ करता था, आज वो हमारे बीच में नहीं है बच्चा, तो उसके लिए कुछ लाइनें शब्द लिखी हैं भाई सिंधा जी में समर्पित उसके लिए। तो किस तरीके से बेटे बेटे के साथ के साथी कलाकार हैं वो यहाँ मंच की ओर आ जाएं। यहाँ जो मौजूद हैं भाई मनोज जी, अजय दयाशंकर जी जो कमेटी के सदस्य हैं वो उधर आ जाएं मंच के पास में। बातें और भी कुछ नहीं लिखी लेकिन जैसा मौसम वैसी बरसात। डॉक्टर साहब बैर गाई मैंने दिए बादर फार जनानी, लेकिन बैर एक और नई मैं खुद गाने की इच्छा में था, लेकिन मैंने समय का भाव देखते हुए इस बैर को रखा दिए बादर फार जनानी ने। और शंभू सुन, दर्दई दर्दई है शंभू की छाती पे लात, देखो वा काली मैया। बिल्कुल न्यू मॉडल बात, लेकिन पता नहीं तुम जवाब क्या लेकर के आते हो। अब देख कहना क्या है, क्या कहूं किससे कहूं मैं, क्या करूं किससे कहूं मैं, क्या कहूं किससे कहूं
की बोरा नवंबर रात अंधियारी हो नवंबर रात अंधियारी और जिसके लिए मैं गा रहा हूं उनका नाम था पवन पवन पाठक जो कि जिनका नाम था नाल बजाने अच्छे अच्छे लोग नाच जाते थे झूम जाते थे। एक बार जो भजन सुन ली उसकी नाल की भाई पवन आज वो हमारे बीच में नहीं है आपके और हमारे बीच में इसीलिए मेरा कहना है छह नवंबर रात अंधियारी छह नवंबर रात अंधियारी अरे कैसे गम के बादल छाए कैसे गम के बादल छाए और ये जितने भी बैठे हुए हैं आज ये सभी उनके साथी हैं हमारे नाथूराम उस्ताद मुगाराम उस्ताद ये जितने भी उस्ताद बैठे हुए हैं इनको भी अपने गुरु से भी बढ़कर मानते थे वो लोग जो आज हमारे तुम्हारे बीच में नहीं इन सबका ही आशीर्वाद था उस आदमी इसीलिए कहना है मेरा आज सभी बैठे हैं पूरी पार्टी बैठी हुई है जो जो लोग थे उनके साथ लेकिन आज क्या हो रहा है छह नवंबर रात अंधियारी कैसे गम के बादल छाए अरे छह नवंबर रात अंधियारी कैसे गम के बादल छाए कैसे गम के बादल छाए कैसे गम के बादल छाए सब साथी दे दिखाई सब साथी दे दिखाई पर नजर पवन नहीं विशेष लगा लेकिन हुआ सुबह शाम जो होता था नहीं हवन दिखाई देता सुबह शाम जो होता था ना हवन दिखाई देता है सुबह शाम जो होता वो नहीं हवन दिखाई देता है और नहीं हवन दिखाई देता है और नहीं हवन दिखाई देता है और ना हवन दिखाई देता है जहाँ उज्जवल ज्योति जलती थी वो नहीं हवन दिखाई देता नहीं हवन दिखाई देता है हवन दिखाई देता है हमने तो मन में जान लिया उसका कवन दिखाई देता है उसका कवन दिखाई देता है और सभी नजर तो आते हैं पर पवन दिखाई देता है सभी नजर तो आते हैं नहीं पवन दिखाई देता है इसीलिए कहना है छह नवंबर रात अंधियारी कैसे गम के बादल छाए कैसे गम के
के बादल छाए सभी साथी नहीं दिखाई पर पवन नजर नहीं आए सब साथी नहीं दिखाई पर पवन नजर ना आए और जो नाम लिख करके दिए मुझे कमेटी ने उन नामों को ढाल रहा हूं देखेंगे किस तरीके से तीना तीन सब बिगड़े डक्षा तीना तीन सब बिगड़े तीना तीन सब बिगड़े कहते हैं मनोज रंगीला तीना तीन सब बिगड़े कहते हैं मनोज रंगीला और कहते हैं मनोज रंगीला मत भवन में आज पवन बिल सब लग रहा ढीला जोरदार तालियों से स्वागत करें सभी लोग और कहना है देखें गुरु नामों को किस तरीका से डाल करके लाया हूं रोए रोए अजय बजे हुई क्या रोए अजय बजे हुई क्या रोए जिनका नाम था पूजा शर्मा ये सभी लोग विशेष जुड़े हुए थे भाई पवन से इसीलिए देखें किस तरीका से डाल रहा हूं नामों को सोचे महेश पुजारी प्रभु तुमको
और ये 500 एक रुपए का पुरस्कार हमारे मंदिर वाले मौसा जी देते हैं, जो मेहनत है मंदिर के। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें सभी लोग, जोरदार तालियों। अब देखें, अनु और गौरी शंकर के दिल में दुख दूना दूना, तू वो गौरी शंकर के दिल में दुख ये दूना, अरे दिल में है दुख दूना दूना, अरे ओ वीर रमेश यकाते बिन पावन के मन पवन नजर नहीं आ।